हे हाय एवरीवन, सीसेट के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लास्ट 10 ईयर्स के, और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मेरा काम है बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पर डल रहे हैं, इनकेस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सीसेट की, और पहले भी टॉपर्स ने इनफैक्ट रैंक 4 ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सीसेट रुका था फिर उसके बाद 100 के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक 4। देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु हैव यूज दिस कोर्स एंड इंक्रीज देयर मार्क्स लाइक फ्रॉम 60 to 100 एंड 100 and+। सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इसके अलावा शुभ्रांशु सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं, मेंटरशिप देते हैं, सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं, साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है, लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हम इसे एड्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ऐसे तो हमारा कोर्स ये कम्प्लीट 2024 के लिए है, दैट मीन्स कि 2023 का जो डिफिकल्ट पेपर आया था वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स। फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ लेक्चर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह होता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी 130+ लोग हो चुके हैं, उनके लिए एक टेलीग्राम पर डेडिकेटेड ग्रुप भी है सो दैट दे कैन हैव 24/7 डिस्कशन, रिजोल्यूशन, डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। वैलिडिटी, वैलिडिटी विल बी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज UPSC 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके डेट तक। और ये कोर्स आपको बस ऐप पे अवेलेबल है इस कॉरिडोर के, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है। देर इज़ वन चेंज ओनली, ऐप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज 1 or 2 times, समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। और इसकी फीस है 4000। इन केस यू आर नॉट एबल टू पे 4000, एंड इफ आई कैन डू समथिंग, आप मुझे अभी नाउ IAS कॉरिडोर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली। दैट्स इट आई वांटेड टू से, नाउ कंटिन्यू विद द लेक्चर, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। सो टुडे वी विल बी डीलिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 57 टू क्वेश्चन नंबर 63। Now let us begin with today's question number 1. Now in question number 1, it has asked to you, how many zeros are there at the end of the following product? Now if you have attended my CSAT comprehensive course, we have dealt this topic in a very comprehensive manner, and the topic belongs to prime factorization, where you dealt with this topic, where I discuss 100 factorial, how many zeros are there in 100 factorial. This is a topic which deals with PNC as well as number of zeros. तो अगर हम इस method को जानते हैं कि 100 factorial में कितने zeros है, the approach, I'm not asking you the solution of 100 factorial, but yes, 100 factorial में कितने zeros, but yes, if we know the process that how to calculate the number of zeros in any of the case given to you, तो आप इस question को कर लोगे. Got it? Now what is the root to, मतलब the approach to solve such problems? अगर आपको पूछता है कि number of zeros कैसे निकालना है, आपको दो चीज करना है. How many factors contains 2? मतलब यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है ना, यहाँ पे एक सारे फैक्टर्स है, ये सारे जितने नंबर्स है इसमें कितने टूज अवेलेबल है, द टोटल टूज अवेलेबल इन दिस होल प्रोडक्ट, 2 का पावर कितना हो सकता है, यानी आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे. सो वंस यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन यू विल गेट टू नो कि हाउ मेनी टूज आर देयर. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ आई आस्क यू, सपोज इफ आई गिव यू अ नंबर 30 × 21, तो आप देखोगे कि अच्छा इसमें कितने टूज है और इसमें कितने टूज है. ये तो चलो ऑड नंबर है, इसमें 2 अवेलेबल नहीं है, ये इवन नंबर है, इसमें 2 अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये 2 × 15 है, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसमें 2 एक ही बार आ रहा है. चलो और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको. अगर आपको एक नंबर है 4 × 10, तो आपको पता चला कि अच्छा 4 में तो 2 स्क्वायर है और यहाँ पे एक ही 2 है, तो टोटल इस प्रोडक्ट में 2 का पावर 3 हो गया. एक यहाँ से 2 टर्म्स आए और यहाँ पे 2 एक फैक्टर है,
तो दोनों को ऐड करोगे, ये तीन आ गया, क्यों? टू टू द पावर ए इंटू टू टू द पावर बी विल गिव यू टू टू द पावर ए प्लस बी. क्लियर? गॉट इट? सो नाउ वंस यू नो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ टू आर प्रेजेंट इन दिस होल प्रोडक्ट, योर वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. द सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी फाइव का पेयर अवेलेबल, मतलब हाउ मेनी फाइव आर अवेलेबल इन दिस होल प्रोडक्ट. तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में पता चलेगा कितने फाइव के टर्म्स अवेलेबल है. तो चलो मान लिया कि टू का टर्म्स आए 10 और फाइव का टर्म्स आए 4, एज एन एग्जाम्पल, नॉट इन दिस क्वेश्चन बट एज एन एग्जाम्पल. अगर 2 10 बार आ रहा है, 5 4 बार आ रहा है, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के? 4 ही बन सकते हैं. और बचेगा 2 के 6 पेयर, मतलब 6 पेयर नहीं, 2 के 6 टर्म्स बचेंगे, क्योंकि दिस टू द 4 टर्म्स ऑफ टूज ये 5 के साथ अटैच हो जाएगा. दिस पेयर, दिस प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट विल गिव यू द 10 ओनली. जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अ 2 एंड अ 5 का प्रोडक्ट विल गिव यू अ 10. देर इज नो सच अदर प्राइम्स जिसका प्रोडक्ट आपको 10 देगा. तो कभी भी आपको निकालना है हाउ मेनी जीरोस, वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी टूज आर देयर, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर. उस दोनों पावर का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा उतने ही पेयर्स बनेंगे 2 और 5 का. जितने पेयर्स ऑफ 2 और 5 बनेंगे उतना ही 10 आएगा, उतने ही जीरोस आएंगे. क्लियर? एनी क्वेश्चन गिवन टू यू, वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी टूज आर प्रेजेंट, हाउ मेनी फाइव्स आर प्रेजेंट. वंस यू फाइंड हाउ मेनी टूज आर प्रेजेंट, वंस यू फाइंड हाउ मेनी फाइव्स आर प्रेजेंट, जस्ट फाइंड हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड. क्लियर? टूज कितने, फाइव्स कितने, टोटल पेयर्स कितने बनेंगे? पेयर्स कैसे पता चलेगा? आपके पास 4 चॉकलेट्स है, मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? आपका 4, मेरे 10 से कोई 4, तो 4 पेयर्स ही बन सकते हैं. 4 से ज्यादा कभी नहीं होगा. क्यों? मिनिमम ऑफ 4 एंड 10. गॉट इट? आपके पास 3 बाइक्स है, मेरे पास 6 बाइक्स है, पता चला कि चलो कितने पेयर्स बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं. क्लियर? सो वंस यू फाइंड हाउ मेनी टूज आर प्रेजेंट, हाउ मेनी फाइव्स आर प्रेजेंट, उसके बाद उसका मिनिमम निकालो, इस दोनों में से कौन कम है. सपोज कम जितना भी आया उतने ही 10s है, उतने ही 0s है. क्लियर? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टोटल प्रोडक्ट कितने 2 के फैक्टर्स, कितने 5 के फैक्टर्स, उसमें से मिनिमम कौन, जो मिनिमम वही आपका आंसर, उतने ही 0s, उतने ही 10s. क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड. Now pick this question, 1 into 5 into 10 into 15 into 20, जो भी factors given है. First वाला को हटा दो. 5 में कितने 5 का factor, कितने 2 का factor, यहाँ पे लिखो. First में 5 का factor 1 बना, यहाँ पे 1 2 का factor और 1 5 का factor. Clear? यहाँ पे 1 बस 5 का factor, क्यों? 5 into 3. 20 को क्या आप लिख सकते हो? 4 into 5, यानी 2 के 2 फैक्टर, 5 के 1 फैक्टर. 25 में 5 के 2 फैक्टर. 30 में कैन आई राइट इट 6 इंटू 5, कैन आई राइट इट 2 इंटू 3 इंटू 5. क्लियर? तो 2 के 1 फैक्टर प्लस 5 के 1 फैक्टर प्लस. 35 में 5 के 1 फैक्टर. 40 में 8 इंटू 5, 8 के 3 फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 का 1 फैक्टर. 45 में 9 इंटू 5, बस 5 का 1 फैक्टर. 50 में 25 इंटू 2, यानी 5 के 2 फैक्टर और 2 के 1 फैक्टर. 55 में 11 इंटू 5, बस 5 के 1 ही फैक्टर. 60 में 12 इंटू 5, यानी इसको 3 इंटू 4, यानी 15 इंटू 4, 4 के 2, मतलब 2 के 2 फैक्टर्स और 5 के 1 फैक्टर शायद. हाँ, हो गया. अभी गिनते हैं. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 2 9, 1 10. 2 के 10 फैक्टर्स हो गए. यहाँ पे 1 2 3 4, 4 to 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 to 12, 12 to 14. आपके पास 5 के 14 फैक्टर्स है, 14 टर्म्स है और 2 के आपके पास 10 टर्म्स है. तो टोटल कितने पेयर्स ऑफ 2 और 5 बनेंगे? 2 into 5 के 10 टर्म्स ही बनेंगे ना. तो 10 टर्म्स अगर बन गए तो 10 टोटल, 10 to the power 10 आ जाएगा,
यानी 10 जीरोस। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, इजीली एक्सप्लेन्ड? ओके, तो सच क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टू कितने गिन लो, पांच कितने गिन लो, फैक्ट्री में गलत मत करना, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अगर आप बाहर के वीडियोस देखोगे बहुत कंफ्यूजन है। जैसे एक क्वेश्चन था ना, वो जो लास्ट वाला एक्स प्लस टेन वाई वाला जो डिस्कस हमने किए थे, वहां पे लोग सब बताते हैं कि इस मेथड का एक ही रूट है, एक ही अप्रोच है, वैसा नहीं है। वी फाउंड अ डिफरेंट अप्रोच टू द क्वेश्चन, सो हर एक क्वेश्चन का मल्टीपल अप्रोचेस है। सो आई एम गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच विच आई फाउंड आउट, बट अगर द रिसर्च इज ऑलवेज ऑन, अगर मेरे को कोई अच्छा मेथड मिल जाता है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू द बेस्ट अप्रोच, ओके, टिल द एग्जाम। अभी के लिए जो मेथड बता रहा हूँ, टिल नाउ आई फाउंड इट ओके, दिस इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, नो नीड टू वरी। अभी चलते हैं इस क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बता रहा है कि लेट एक्स वाई जेड बी अ थ्री डिजिट नंबर, देन वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, देन ये नॉट डिविजिबल बाय दिस दिस दिस, ओके। हमेशा एक चीज याद रखो, अभी तक हम जितने चीज पढ़े हैं, व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, एक चीज मैं आपको बताया हूं, कभी भी आपको ये देता है कि इट इज अ थ्री डिजिट नंबर, आपको एक तो चीज पता चल गया, वो क्या है कि सर ये जो एक्स वाई जेड है, इट कैन बी रिटन एज 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये तो श्योर, क्योंकि कुछ भी हो जाए एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड जो नंबर है थ्री डिजिट नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। तो अगर ये चीज हमें पूछ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू दिस फैक्ट, मैं ये इस वाले की बात कर रहा हूं, कैन आई राइट दिस एज 100x प्लस 10y प्लस जेड प्लस 100y प्लस 10z प्लस एक्स प्लस 100z प्लस 10x प्लस वाई। अगर मैं इस चीज को पूरा ऐड कर देता हूं, एक 100x है, एक x है और एक 10x है, तो 111x आएगा प्लस 111y आएगा प्लस 111z आएगा। कैन आई राइट दिस एज 111 कॉमन x प्लस y प्लस z? क्लियर, तो ये वाला जो नंबर है, रेदर देन यूजिंग दिस नंबर, कैन आई यूज अ नंबर एज 111 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड? एक ही बात होगा, इक्विवेलेंट। अभी ये बता रहा है कि ये जो नंबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सम इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, तो कैन आई कंक्लूड दैट ये जो 111 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये वाला जो नंबर आएगा ये तो तीन से डिविजिबल नहीं है, क्यों? इनका सम इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री। तो अगर किसी का सम अगर तीन से डिविजिबल नहीं है, तो वो ये वाला क्वांटिटी कभी तीन से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? वही बता रहा है ना, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, ये तीन का मल्टीपल नहीं है। तो तीन का मल्टीपल नहीं है मतलब आप नंबर एक चूज कर लो 14, 14 तो थ्री तीन का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि तीन इंटू समथिंग, थ्री इंटू समथिंग विल नॉट गिव यू 14। तो तीन के साथ आप ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको वो नंबर मिल जाए? तो वो वाला जो नंबर मिलेगा वो होगा तीन का मल्टीपल। 3 into 5 will give you 15, then 15 is a multiple of 3. 3 into 7 will give you 21, so 21 is a multiple of 3. But 3 into something won't give you 11, so 11 is not a multiple of 3. Clear? So, agar ye tino ka sum, ye multiple of 3 nahi hai, to ye wala jo number hai, wo to 3 ka multiple nahi hai. But wo kaam ka nahi hai. Abhi ke liye hume in tino ka sum is not a multiple of 3. So, ये वाला जो सम है ना, ये तीन का मल्टीपल नहीं है। कौन सा? ये वाला। सो अगर आप इसको तीन से डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब अगर आप तीन से डिवाइड करोगे, x plus y plus z is a number, अगर आप तीन से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आ ही जाएगा, बी इट वन और बी इट टू, एक और दो का कोई एक रिमाइंडर तो आएगा ही आएगा। क्लियर, अभी चलते हैं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, चेक करते हैं क्या ये तीन से डिविजिबल है क्या। देखो तीन से ये तो डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्वेश्चन गिवन है,
अगर ये वाला डिवाइड हो गया तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड क्यों हो रहा है? 111 का सम देखो, 1 + 1 + 1 तो 3 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है। कैसे? 37 × 3 = 111। तो आप इसको लिख सकते हो, ये नंबर अभी हो गया 37 × 3 × x + y + z। तो ये किस किस से डिविजिबल है? देखो, 37 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, पहले 111 से भी डिविजिबल है, इस तीनों नंबर से वो डिविजिबल है। 37 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। क्या ये x + y + z से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि x + y + z इज ऑल्सो अ फैक्टर, तो इससे भी डिविजिबल है। क्वेश्चन पूछा है नॉट डिविजिबल, सो योर आंसर इज 9। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरी वन और नॉट? गॉट इट? समझ में आ गया ना? फैक्टर्स अगर है तो वो डिविजिबल होगा, फैक्टर अगर नहीं है कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। किसी भी नंबर मान लो, अगर आप कोई भी नंबर मानते हो, इफ आई से सर नंबर इज 70, चलो 60 मानते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर आई कैन नॉट राइट दिस 60 एज समथिंग इनटू 7। सिंस आई कैन नॉट राइट दिस 60 एज समथिंग इनटू 7, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। क्योंकि अगर इसको, क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्यों? सर आई कैन राइट इट एज 20 × 3। सिंस आई राइट दिस एज 20 × 3, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, ये 3 और ये 3 उसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? सो सिंस दिस अबव फैक्टर वाज रिटन एज 37 × 3 × x + y + z, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर कोई पूछेगा कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल है, पहले तो ये 37 से डिविजिबल है, दूसरा ये 3 से डिविजिबल है, तीसरा ये x + y + z से डिविजिबल है। मैं सिंगल फैक्टर ले लिया, अभी डबल फैक्टर ले सकता हूँ, ये 37 × 3 से डिविजिबल है और ये 3 × x + y + z से डिविजिबल है और ये 37 × x + y + z से डिविजिबल है। गॉट इट? और ये लास्ट वाला तीनों का केस लूंगा, यानी 37 × 3 × x + y + z से डिविजिबल है, और एक केस है वो 1 से डिविजिबल भी है। क्लियर? दैट मींस 5 × 3 × 2, ये एक नंबर है, ये किस किस से डिविजिबल है? पहले तो ये 5 से डिविजिबल है, दूसरा वो 3 से डिविजिबल है, तीसरा वो 2 से डिविजिबल है। ये मैंने एक एक का ले लिया, अभी मैं दो दो का पेयर लूंगा, 5 × 3 15 से डिविजिबल है, 5 × 10 5 × 2 10 से भी डिविजिबल है, 3 × 2 6 से भी डिविजिबल है। अभी तीन तीन का पेयर लूंगा, 5 × 3 × 2 दैट इज 3 × 2 इज 6, 6 × 5 इज 30, 30 से भी डिविजिबल है। गॉट इट? क्लियर? सो ये कैसे पता चलेगा? अगर मेरे पास चार फैक्टर्स है, चार प्राइम फैक्टर्स है, पहले एक एक खोलो, उसके बाद दो दो का पेयरिंग बनाओ, उसके बाद तीन तीन का पेयरिंग बनाओ, उसके बाद चार चार का पेयरिंग बनाओ। इसको अगर हम परम्यूटेशन के लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एक एक का पेयर 4C1, दो दो का पेयर 4C2, तीन तीन का पेयर 4C3, चार चार का पेयर 4C4। ये सारी चीजें हैं। ठीक है? ओके, चलो। आई हैव डन अ ग्रेट डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम नाउ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, अगेन लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर इसको सॉल्व करने में। नंबर्स निकालते हैं लोग, नहीं चाहिए नंबर्स निकालना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सी, पी क्यू आर एस बी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ऑल दोस नंबर्स 1 2 3 जिससे आप काउंट करते हो, काउंटिंग नंबर्स। क्लियर? पूछा है कि एक रिलेशन गिवन है। अच्छा, इसमें कुछ रिलेशन है, ये चलो एक रिलेशन गिवन है। Which one of them is the largest natural number? मतलब P, Q, R, S में से कौन सबसे बड़ा natural number है? दो चीज ध्यान रखना है आपको इस concept के लिए। अगर मैं किस number को ऐसे लिखता हूं, suppose P minus Q is greater than 5, इसका क्या मतलब है? That P minus Q is greater than 0, आया ना? जब भी आप दो नंबर का सब्ट्रैक्शन जीरो से बड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पी इज ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा, पी बड़ा हो जाएगा। एक नंबर 10 है और एक नंबर 4 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ये नंबर बड़ा होगा। यानी पी माइनस क्यू अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन, किसी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन, यानी दिस टू नंबर्स मस्ट बी पॉजिटिव क्वांटिटीज, एक चीज कंडीशन है।
दो पॉजिटिव क्वांटिटीज अगर आपके पास है और उस दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, तो कैन आई से द पी इज ग्रेटर देन क्यू होगा, यानी पी बड़ा होगा क्यू छोटा होगा। क्लियर? ऑन द अदर साइड अगर पी माइनस क्यू लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो 4 को मैं 10 से सब्ट्रैक्ट किया, इसका वैल्यू -6 आ रहा है यानी लेस देन जीरो, तो पी इज लेस देन क्यू हो जाएगा। ये चीज सबको पता चल गया। अगर ये पी है और ये क्यू है, पी माइनस क्यू करोगे 6 आ रहा है, तो पी बड़ा है क्यू छोटा है। अगर क्यू माइनस पी करोगे -6 आ रहा है, तो कौन बड़ा होगा? पी बड़ा होगा। वही चीज समझाने की कोशिश में किया। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस पिक दिस नंबर्स, ओके, एंड टेल यू द एलिमिनेशन ट्रिक दैट कैन बी यूज्ड हियर। पहले इस दोनों रिलेशन को यूज करो, पी माइनस क्यू किया मैंने, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, क्यू को इस तरफ ले आओ, पी माइनस क्यू 2016 प्लस 2017, बिग पॉजिटिव क्वांटिटी, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज बिग और वेदर इट इज स्मॉल, पॉजिटिव क्वांटिटी आया या नहीं, यानी पी माइनस क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो पी क्यू से बड़ा होगा, तो क्यू कभी आंसर नहीं होगा क्योंकि पी अभी तक बड़ा है, अभी तक बड़ा है। क्लियर? अभी इसको थर्ड के साथ रिलेट करो, देखो क्या आ रहा है, पी माइनस आर इज इक्वल टू 2016 इस तरफ आएगा, कैलकुलेशन गलती मत करना, -2 आया, यानी आर माइनस पी 2 आ गया। अगर आर माइनस पी 2 है तो आर माइनस पी इज ग्रेटर देन 0, यानी आर ग्रेटर देन पी, तो बड़ा कौन? पी पहले बड़ा था, अभी उससे बड़ा आर आ गया, तो पी कभी आंसर नहीं होगा। अभी कंपैरिजन आर और एस का करना है, आप इसको और इसके साथ कंपेयर मत करो, जो बचा है उसको कंपेयर करो, इस दोनों को कंपेयर करोगे, आर माइनस एस कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो 2018 को इस तरफ ले आओ, एस को उस तरफ ले जाओ, आर माइनस एस पॉजिटिव आ रहा है, यानी आर माइनस एस इज ग्रेटर देन जीरो, तो आर माइनस एस इज अगर ग्रेटर देन जीरो तो बड़ा कौन होगा, एस छोटा हो जाएगा आर से, तो आर बड़ा होगा, पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो आंसर होगा आर। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर, टू अंडरस्टैंड सच कॉन्सेप्ट्स योर कोर फंडामेंटल मैथ्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो अगर आप रिवाइज नहीं किए हो, जाके इस चीज को रिवाइज करो, अगर आप कहीं से लेक्चर्स नहीं किए हो, देन आप कॉरिडोर का लेक्चर सीरीज भी चेक कर सकते हो, द कॉम्प्रिहेंसिव सी सेट कोर्स दैट वी हैव डन, इट्स ऑफ 120 आवर्स, वी हैव कंप्लीटेड एवरी थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। ओके, बी इट पीएनसी, पीएनसी 20 आवर्स का लेक्चर्स है, बी इट नंबर सिस्टम, बी इट कैलेंडर, बी इट सिलोइज्म, ऑल सच टफ टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड इन ग्रेट डिटेल। ओके, सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू हैवंट कवर्ड ऑल दिस बेसिक्स, डू चेक योर नोट्स, डू रिवाइज देम, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और एल्स यू विल फील लाइक वट एवर हैज बीन टॉट टू यू आर वेरी टफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू पीपल, इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच हैज बीन रिपीटेड, एक डॉट वाला क्वेश्चन हम किए थे, उसी तरह का क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ योर ओन, ऐसे डॉट डॉट मैंने प्लेस किया था इस तरह का क्वेश्चन, ऑप्शन को पुट करना है, आंसर चेक करना है। ठीक है, वी कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू पीपल बिकॉज दीज आर रिपीट क्वेश्चंस। क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर। एक 7.5 फीट का स्ट्रेट स्टिक है और एक 3.25 का फिट का स्ट्रेट स्टिक है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर, इट इज ऑल अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से कॉमन फैक्टर कितना है, जितना कॉमन फैक्टर होगा उतना ही मिनिमम ये मेजर कर पाएंगे, सो यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू। हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू, पहला नंबर है 75/10, इसको अगर आप रिड्यूस करोगे कितना हो जाएगा, 15/2। दूसरा नंबर है 325/100, जब आप इसको रिड्यूस करोगे, पहले तो 325 को आप 5 से डिवाइड करोगे, जब आप 325 को 5 से डिवाइड करते हो
योर आंसर वुड बी 65, और इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे आंसर इज 20, फिर 65 को आप 5 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, क्लियर? यानी द एचसीएफ ऑफ 15/2 कॉमा 13/4 आपको निकालना है। इसको निकालने का तरीका होता है, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं, इट हैज बीन टॉट टू यू पीपल इन द क्लास एज वेल एज दोज हु हैवंट डन, प्लीज चेक योर नोट्स आल्सो। डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, दिस आर बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज। एचसीएफ ऑफ 15 एंड 13 विल बी 1, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 कितना हो जाएगा 4, सो योर आंसर इज 1/4, 1/4 यानी 0.25। क्लियर? गॉट इट? इजी क्वेश्चन, दिस आर इजी क्वेश्चंस। Now let us proceed to the next question. Another good question. A3BC be 4 digit numbers which each letter represents a different digit greater than 3. Different digit greater than 3 ka matlab kya hai? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yahi available numbers hai. Yahi available numbers hai. Ek bar ek number chala gaya, wo dusre bar aayega nahi. Different digits, okay, greater than 3. If the sum of the numbers is 15902, यानी A3BC और एक है DE2F, इसको तरीका है सॉल्व करने का, मैं बताता हूं क्या तरीका है। 15902, अभी आपको निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। पहले देखो ए और डी वैल्यू अगर मिल जाता है तो आंसर मिल जाएगा। अभी सी और एफ, गॉट इट? सी और एफ, जब भी आप सी और एफ की बात कर रहे हो, एक तरीका है बट उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। वो रिस्क क्या है बताऊं? द रिस्क इज यहाँ पे नंबर 9 है। देखो ये ट्रिक आप एग्जाम में अप्लाई मत करना। अगर नंबर 9 है, ठीक है, यहाँ पे देखो सम किसका हो सकता है 9, अगर आप देखोगे, नहीं छोड़ दो, वो ट्रिक बताऊंगा तो आप गलत कर दोगे एग्जाम। एक तरीका है, यहाँ पे 6 और 9 डायरेक्टली आएगा, 9 - 6 आंसर विल बी 3, ओके, बट आई वुड रेजिस्ट योर सर, मतलब आई विल नॉट टेल यू दैट ट्रिक बिकॉज इफ यू अप्लाई दैट ट्रिक एग्जाम में गलती कर दोगे, आप ज्यादा सोचोगे उसके बारे में, ठीक है। मैं जेन्युइन जो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का वो बता देता हूँ। सी और एफ को अगर आप ऐड करोगे वो 2 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर्स पिक करो जिसको आप ऐड करोगे तो 2 आएगा। 4 के साथ किसको ऐड करने से 2 आता है? आप 4 और 8 का पेयर ले सकते हो, और एक 5 के साथ, ये 2 केस आ गए, तो सी और एफ का वैल्यू हमें मिल गया। किसी में भी प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक केस मिला ये वाला अभी के लिए, इसको मैं 4 दे दिया, और एक है डीई 2 और यहां पे दे दिया मैंने 8, ये एक केस बन गया। दूसरा केस जो बना वो था A3B5 और DE27, क्लियर? गॉट इट? अभी के लिए इतना ही है। इस वाले केस के लिए 4 और 8 चला गया, बचा कौन कौन? 5, 6, 7, 9, ये ट्रैक करना है। अभी के लिए बचे ये 4, यहां पे कौन बचा? 5 और 7 चला गया, 4, 8, 6 और 9, ये 4 बचे, क्लियर? अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 1 चला गया, और यहां पे 2 आया और यहां पे 1 चला गया। अभी ये 2 + 1 तो 3 है, 3 के साथ b को अगर ऐड करोगे यहां पे 0 आना चाहिए, तो b कौन सा वैल्यू हो सकता है? यहां पे 2, 1, 3 है, 3 के साथ अगर आप 7 को ही लिखोगे तभी जाके ये वैल्यू 0 बनेगा। और यहाँ पे 7, 5, 12, 2 taken 1, 2, 1, 3, 3 के साथ क्या ऐड करने से यहाँ पे 0 आएगा? 7, बट 7 तो चला गया, तो ये वाला केस अभी और नहीं हो सकता है। तो बचा कौन? ये वाला। अभी इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? A3 7 4, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नलीफाई हो गया क्योंकि 7 ऑलरेडी हो गया है, डिस्टिंक्ट चाहिए, क्लियर? और यहाँ पे क्या हो गया? DE28, तो आंसर क्या हुआ? 2, 2 taken 1, 7 to 8, 7 to 9, 1 10, 0 taken 1, 3 1 4, 4 plus E, यहाँ पे आपको 9 चाहिए, बचे कौन कौन? 5, 6, 9, गॉट इट? तो 3 1 4 हो गया, 4 यानी
3 + 1 इज 4, 4 यानी यहाँ पे कौन आएगा, 5 आएगा। अगर 5 यहाँ पे आ जाता है तो आपका आंसर बन गया 9, सिंस 5 हैज कम हियर आंसर इज 9, बचा कौन कौन, 6 और 9, तो 6 और 9 दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आंसर विल बी 3, क्लियर। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट एवरी वन, इज इट क्लियर और नॉट? गॉट इट, चलो सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज आस्क्ड यू, वन पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज वन, मतलब वन से लेके सीरीज नंबर्ड है, कहाँ तक कुछ नंबर है जिसका कुछ सम है, द सम ऑफ द पेजेस नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस। अच्छा एक पेज फाड़ दिया गया, यू हैव टेकन आउट वन पेज, नाउ सिंस यू टुक आउट वन पेज, जो पेज निकाले हो सपोज एक निकाले हो 5, तो अदर साइड में 6 होगा, तो ये पेज निकालने के बाद आपका सम हुआ 195, तो 195 के साथ ये जो पेज निकाले हो इसको अगर ऐड करोगे तो टोटल सम देगा। ये पूछा है ये क्या है, लेट इसको मान लेते हैं एक्स है, सो 195 प्लस एक्स विल गिव यू अ सम ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, सपोज मान लेते हैं के है टोटल पेजेस कितने हैं, के इंटू के प्लस 1/2, पता है ना नेचुरल नंबर सब 1 से लेके 20 तक है, तो सम कितना होगा 20 × 21/2, गॉट इट? सो के इंटू के प्लस 1/2, अगर के इंटू के प्लस 1/2 है टोटल सम, ये पूछा है कि ये जो टर्न पेज है उसमें क्या लिखा है, कितना लिखा है, तो देखते हैं ये 195 तक है, 195 के बाद कुछ ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पे 11 ऐड होगा, यहाँ पे 15 ऐड होगा, यहाँ पे 19 ऐड होगा, वहां पे 23 ऐड होगा, ये सारे नंबर्स है ये ऐड होगा, क्लियर। अभी आपको देखना है कि ये जो टर्न पेजेस है ये नंबर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, चलो ये 195 मतलब क्लोज टू कितने हो सकता है, अगर मैं मानता हूँ 10, 10 तक है टोटल पेज, तो 10 तक हुआ मतलब 10 × 11/2 यानी 55 होगा उसका सम, बट ये तो 195 है ना, बहुत बड़ा नंबर है। 20 चेक करते हैं, क्या ये पेजेस सारे 20 तक है, अगर आप 20 चेक करोगे तो 20 × 11/2 ये कितना हो गया 220, सॉरी 20 × 21/2, 2 से कैंसिल करोगे 10 हो गया, ये 210 हो गया, नियर अबाउट टू 195 to 210, क्लोज है, देखते हैं। तो 195 और 210 बचा 15, क्या 15 इसके सम में है 8 7 15, तो यही होगा आंसर। आर यू गेटिंग दिस, दिस इज द एलिमिनेशन ट्रिक दैट यू गोना यूज, बट यू विल आस्क व्हाई 20, आई हैव रैंडमली टुक 20 जस्ट टू फिट एनी सम व्हिच इज क्लोजर टू 195, नहीं तो आप इसको ऐड करके भी चेक कर सकते हो, आप इसको डालोगे 195 प्लस 11 206 आएगा, क्या 206 किसी दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, वो चेक करना बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए आई हैव टुक रैंडम नंबर्स, 10 लिया 20 लिया एक बेस नंबर, उसके बाद 20 अगर नहीं होता तो मैं 30 लेता फिर चेक करता 30 × 31/2, फिर चेक करता ये 15 है, फिर देखता कि ओके 31 है, उसके बाद उसके साथ 15 मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर आएगा 465, 465 और 195 डिफरेंस देख रहे हो, तो इतना डिफरेंस तो यहाँ पे भी नहीं है, क्लियर। तो ये ट्रिक्स छोटे छोटे ट्रिक्स आपको एग्जाम में यूज करना है, क्लियर। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर, ओके आई हैव डन 7 क्वेश्चंस, वन थिंग दैट आई वांट वर्ड, जो रिविजन हम कर रहे थे उसको थोड़ा अभी पॉज करेंगे, वी विल डू अ फाइनल रिविजन ऑफ नंबर सिस्टम एट द एंड ऑफ नंबर सिस्टम्स, व्हाई, बिकॉज देर आर सर्टन क्वेश्चंस जो डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के एंड से, आई वॉन्ट टू गो थ्रू एवरी डाउट्स दैट यू सेंड थ्रू योर चैट्स, ओके जो भी आप मैसेज भेजते हो कमेंट्स में, डू राइट योर डाउट, सो एक साथ में क्लब करके सारा डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो क्या होता है कि 2 दिन के बाद पता चलता है कि अच्छा ये और एक डाउट आया है, मैं 3 रिविजन्स कर चुका हूँ तो कुछ फायदा नहीं होता है, क्लियर। आई वॉन्ट यू पीपल, मुझे तो मैं तो बता दिया कि कैसे रिविजन होना चाहिए, यू नो द प्रोसेस, यू डू इट योर सेल्फ, एक बार फाइनल में एक रिवाइज करवा दूंगा नंबर सिस्टम का, एक बार जब आप सारे कमेंट्स में लिख देते हो कि क्या क्या डाउट्स है, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द ट्रिक्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग देम एंड कीप देम यूजिंग इन योर क्वेश्चंस एंड ऑन द फाइनल डी डे, ओके सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।